नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। बॉलीवुड एक्ट्रेस जिया खान सुसाइड केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने करीब 10 साल बाद फैसला सुनाया है। इस मामले में एक्टर सूरज पंचोली बरी हो गए हैं। जी हां, जिया खान ने मुंबई स्थित अपने घर पर 3 जून 2013 को मृत पाई गई थी। इस मामले में सूरज पंचोली जिया को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पाए गए थे। कोर्ट ने आज अपना बड़ा फैसला सुना दिया। सूरज पंचोली को आरोपों से बरी कर दिया गया। बता दें कि कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के दौरान जिया की मां भी मौजूद रही थी। वहीं कोर्ट के फैसले सुनाने जाने से पहले जिया की मां राबिया ने आज अपने वकील के जरिए एक अर्जी भी दायर की है। हालांकि कोर्ट ने राबिया खान की अर्जी पर विचार नहीं किया और फैसला सुनाते हुए सूरज पंचोली को जिया खान की आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप से बरी कर दिया। बता दें कि इस मामले की जांच पहले मुंबई पुलिस कर रही थी और इसके बाद दिवंगत एक्ट्रेस की मां राबिया खान की याचिका पर कोर्ट ने इसी सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया था। अपने पक्ष में फैसला आने के बाद सूरज पंचोली की पहली प्रतिक्रिया जो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली, सूरज ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सूरज पंचोली के बरी होने पर जिया खान की मां ने कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। राबिया खान ने कहा कि मैं शुरू से कह रही हूं कि यह केस आत्महत्या के लिए उकसाने का ही है, नहीं ये मर्डर नहीं है, ये हत्या का केस है। मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हूं, मेरी लड़ाई जारी है, फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगी, मैं मां हूं और मैं अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं लड़ूंगी। जिया ने साल 2007 में अमिताभ बच्चन के साथ निशब्द से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। बॉलीवुड में डेब्यू करने के बाद जिया महज 21 साल की थी। राम गोपाल वर्मा की इस फिल्म में जिया अमिताभ के बीच रोमांटिक रिश्ता दिखाया गया था। जिया की एक्टिंग की काफी तारीफ हुई थी। इसके बाद जिया आमिर खान के साथ साल 2008 की ब्लॉकबास्टर फिल्म गजनी में नजर आई थी। आमिर खान और आसिन स्टरर इस फिल्म में जिया एक मेडिकल स्टूडेंट के रोल में थी। इसके बाद 2010 में जिया ने अपनी तीसरी और आखिरी फिल्म हाउसफुल की थी। इस फिल्म में भी जिया अक्षय कुमार जैसे बड़े स्टार के साथ स्क्रीन शेयर कर रही थी और ये फिल्म भी काफी हिट गई थी। ऐसे में जिया का यूं अचानक सुसाइड कर लेना 10 साल बाद आज जब ये केस सामने दोबारा से आया, जख्मों को फिर से जिस तरीके से हरा कर दिया, वो जख्म अभी भरे नहीं थे लेकिन साफ तौर पर देखा गया कि अभी सूरज पंचोली को रिहा कर दिया गया, मतलब बरी कर दिया गया। अब इस पर उनकी मां का एक नया जो सामने निकल के बयान आया कि आगे भी लड़ाई कंटिन्यू रखेंगी। इसके तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।